नमस्कार, बोल के लब आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के अंदर निवेशकों से बातचीत कर रहे हैं। इस वीडियो में उन्हें संबोधित कर रहे हैं और जाहिर सी बात है इसका मकसद यह है कि भाई दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो भारत में आए, निवेश करें, भारत के अंदर धंधा बढ़े, भारत के अंदर बिजनेस को लेकर माहौल बड़ा हो। मगर एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप ये कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के कानपुर में क्या हो रहा है आपको इस बात का अंदाजा है? जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल के लब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। दूसरी तरफ ट्विटर पर विपक्ष के नेताओं पर किस तरह से अंकुश लगाया जा रहा है, वो भी आपकी सरकार के दबाव के चलते, उसका अंदाजा है आपको? बिल्कुल अंदाजा है, क्यों नहीं होगा। इस तस्वीर को देखिए दोस्तों। असरार अहमद नाम के एक मुस्लिम युवक को उसकी 7 साल की बेटी के सामने बेरहमी से पीटा गया। भीड़ ने, बजरंग दल के इन कार्यकर्ताओं ने उस पर दबाव डाला, मारा पीटा, जय श्री राम के नारे लगाने को कहा और यह सब कुछ हो रहा था उसकी 7 साल की बेटी के सामने। यह सब कुछ हो रहा था पुलिस की मौजूदगी में। असरार अहमद को इस कदर पीटा जा रहा है, लोगों को अंदाजा नहीं है कि हमने अपने समाज में इस कदर अंधेरा पिरो दिया है, इस कदर अंधेरा उड़ेल दिया है कि हमें उस 7 साल की बच्ची की रुदाली भी नहीं दिखाई दे रही। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इस पूरे घटनाक्रम के पीछे एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक का भी हाथ है। उस पर कोई अंकुश लगाया गया? नहीं लगाया गया। पुलिस ने खानापूर्ति के तौर पर यह कार्रवाई कर दी है। मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, जिस तरह से यह शख्स अश्विनी उपाध्याय एक दिन के अंदर रिहा हो गया था, एक दिन के अंदर इसको बेल मिल गई थी, इस आदमी को भी बेल मिल जाने वाली है, इन्हें भी कुछ नहीं होने वाला है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों इस मुद्दे पर खुद कानपुर पुलिस का क्या कहना है, मेरा नहीं, कानपुर पुलिस का क्या कहना है। कानपुर पुलिस का कहना है कि भाई यह मामला जो है 2 परिवारों में आपसी रंजिश को लेकर था और फिर यह मामला बढ़ गया। सुनिए मामला क्या है। इस संबंध में पहले से दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमा दर्ज है और मुकदमे की विवेचना प्रचलित है, उसमें भी जो नियमानुसार जांच के अनुसार जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। दोस्तों मेरी लगातार बातचीत हो रही है पत्रकारों से और उनका ये कहना था कि देखिए पूरा मामला शुरू हुआ 2 परिवारों के बीच रंजिश को लेकर, एक नाली को लेकर, एक सिविक मामला था और वो मामला बढ़ता गया जिसमें एक परिवार ने बाद में जाकर यह आरोप लगाया कि हमारी 14 साल की बच्ची को जो है ये लोग छेड़खानी करते थे। बीबीसी की रिपोर्ट क्या कहती है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं और इसके बाद मैं आपको बतलाऊंगा कि असरार अहमद के साथ किस तरह की नाइंसाफी हुई। इस घटना के पीछे 9 जुलाई को हुई एक अन्य घटना को बताया जा रहा है, जब बर्रा आर्ट निवासी एक परिवार की नाबालिग लड़की से कुछ युवकों ने कथित तौर पर छेड़खानी की थी। आरोप है कि परिवार के विरोध करने पर अभियुक्त धर्मांतरण का दबाव बनाने लगे। पीड़ित परिवार ने पुलिस से शिकायत की लेकिन उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। लड़की की मां ने बीबीसी को बताया, हमारी 14 साल की बेटी को ये रोज छेड़ते थे, शिकायत करने पर मारने पीटने की धमकी देते थे, धर्म परिवर्तन का भी दबाव बनाते थे। हमने अपनी शिकायत में धर्मांतरण की बात भी कही थी लेकिन पुलिस ने FIR में सिर्फ छेड़खानी की धारा लगाई थी। अब आगे गौर कीजिएगा। वहीं इस बात की जानकारी होने पर बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता बुधवार को अभियुक्तों के घर पहुंचे लेकिन उनके न मिलने पर उनके एक रिश्तेदार असरार अहमद को घर से घसीट लाए और सार्वजनिक तौर पर पीटने लगे। आरोप है कि इस दौरान पुलिस वहां मौजूद रही और मूक दर्शक बनी रही। असरार अहमद का इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है, जो भी इन 2 परिवारों के बीच रंजिश चली आ रही थी कुछ लेना देना नहीं है। 2 चीजें उभर कर आती हैं। एक तरफ समाज के अंदर इतना जहर भर दिया गया है मेनस्ट्रीम न्यूज चैनल्स के जरिए और भारतीय जनता पार्टी की सरपरस्ती के जरिए कि जो भीड़ मारती है वो ये नहीं देख रही है कि हम किसे मार रहे हैं, उन्हें सामने सिर्फ एक मुसलमान दिखाई दे रहा है, उसका दोष है या नहीं वो देख भी नहीं रहे। और वैसे भी अगर किसी का दोष है तो उस पर कार्रवाई किसके अंतर्गत होनी चाहिए बताइए? कानून के अंतर्गत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? अगर एक पक्ष ने तमाम चीजें की भी, जैसा कि एक पक्ष आरोप लगा रहा है, चाहे वो छेड़खानी का हो या धर्म परिवर्तन का हो, तो इसमें असरार अहमद का क्या दोष है? मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक तरफ तो आप इन्वेस्टमेंट की दुहाई कर रहे हैं और दूसरी तरफ कानपुर के अंदर यह हो रहा है, और फिर ट्विटर आप यानी कि मोदी सरकार के दबाव के चलते विपक्ष के नेता राहुल गांधी के अकाउंट को सस्पेंड कर देता है,
उनके अलावा 5 और कांग्रेस के अकाउंट्स को सस्पेंड किया जाता है। खबर यह भी आ रही है कांग्रेस के करीब 5,000 समर्थकों के अकाउंट्स को ट्विटर ने सस्पेंड कर दिया है। राहुल गांधी का क्या दोष है? राहुल गांधी का यह दोष है, जब दिल्ली के कैंट इलाके में एक 9 साल की दलित बच्ची का बलात्कार और उसके बाद हत्या कर दी गई थी, तो राहुल गांधी उनसे मिलने गए थे और उनके ट्विटर हैंडल के जरिए, उनके जो ट्विटर हैंडल के जरिए मां और बाप की जो पहचान है वो जाहिर हो गई। मैं आपसे कुछ और कहना चाहता हूं। मान लिया कि राहुल गांधी ने उन दोनों मां बाप की पहचान को जाहिर नहीं करना चाहिए था, मगर चाहे कांग्रेस हो या राहुल गांधी हो, वो इस परिवार के खिलाफ तो थे नहीं। और दूसरी तरफ जब हाथरस में उस गुड़िया के साथ बलात्कार और फिर उसकी हत्या कर दी गई थी, तो मामला में 376 DB था, यानी कि बलात्कार का मामला भी हाथरस पुलिस ने दर्ज किया था। और भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल का मुखिया अमित मालवीय ने बाकायदा एक ट्वीट किया था, 2 ट्वीट्स किए थे। एक ट्वीट के अंदर उसने उस लड़की का वीडियो दिखाया था, उसका चेहरा दिख रहा था, और दूसरे ट्वीट में उसने उसकी मां का चेहरा जाहिर किया था। मैं वो दोनों ट्वीट्स के अंदर वीडियो क्या था वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, मगर अमित मालवीय ने क्या लिखा, जो शर्मनाक बात लिखी, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश को बदनाम करने की साजिश रचने वालों को एक्सपोज करने वाला वीडियो, घटना के तत्काल बाद मां का बयान। यहां मां की पहचान को भी जाहिर किया जा रहा है, और उससे पहले जो वीडियो था उसमें बताया गया था वो लड़की बेचारी जमीन पर पड़ी हुई है, कराह रही है, उस वीडियो को भी अमित मालवीय ने पेश किया था। उस वक्त जब राष्ट्रीय महिला आयोग से गुहार लगाई गई थी कि आप अमित मालवीय पर एक्शन क्यों नहीं लेते, तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अमित मालवीय पर कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि कानूनन जो गुनाह, जो आरोप है इस वक्त अमित मालवीय के ऊपर, अगर उस पर कानूनी कार्रवाई होगी तो इसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है। इस तरह से फंसा है अमित मालवीय, मगर ना इसका अकाउंट को हटाया गया, ना इस पर कोई पुलिसिया कार्रवाई हुई। राहुल गांधी ने आज बयान दिया है दोस्तों, और राहुल गांधी का क्या कहना है आप सुनिए। पहला बयान, शटिंग डाउन माई ट्विटर, देर इंटरफियरिंग इन आर पोलिटिकल प्रोसेस। ए कंपनी इज मेकिंग इट्स बिजनेस टू डिफाइन आर पॉलिटिक्स, एंड एज अ पॉलिटिशियन आई डोंट लाइक दैट। दिस इज एन अटैक ऑन द डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। दिस इज नॉट एन अटैक ऑन राहुल गांधी। दिस इज नॉट यू नो सिंपली शटिंग राहुल गांधी डाउन। आई हैव 19-20 million फॉलोअर्स। यू आर डिनाइंग दैम द राइट टू एन ओपिनियन। दैट्स वॉट यू डूइंग। सो दिस इज नॉट ओनली पेटेंटली अनफेयर, this is they are breaching the idea that Twitter is a neutral platform. And for the investors, this is a very dangerous thing, because taking sides in the political contest has repercussions for Twitter. तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी इस बात का इशारा कर रहे हैं कि ऐसे देश में जहां ट्विटर इस तरह से सरकार की पिछलग्गू बनी रहेगी, कोई भी व्यक्ति आकर निवेश क्यों करेगा, धंधा कैसे बढ़ेगा, काम कैसे होगा। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि कहीं ना कहीं ट्विटर हमारे आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप कर रहा है। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। आवर डेमोक्रेसी इज अंडर अटैक, वी आर नॉट अलाउड टू स्पीक इन पार्लियामेंट, द मीडिया इज कंट्रोल्ड, एंड आई थॉट देयर वाज अ रे ऑफ लाइट वेयर वी कुड पुट व्हाट वी थॉट ऑन ट्विटर, बट ऑब्वियसली दैट्स नॉट द केस। इट्स ऑब्वियस नाउ दैट ट्विटर इज एक्चुअली नॉट एन न्यूट्रल ऑब्जेक्टिव प्लेटफॉर्म, इट इज ए बायस प्लेटफॉर्म, एंड इट्स समथिंग दैट listens to what the government of the day says. As Indians, we have to ask the question, are we going to allow companies, just because they are beholden to the government of India, to define our politics for us? Is that what this is going to come to? Or are we going to define our politics on our own? Right? That's the real question here. Shalinta aur maryada ki tamam hadon ko paar kiya ja raha hai, dosto. Aapko yaad hoga, जब हाथरस में उस गुड़िया का बलात्कार और उसके बाद हत्या कर दी गई थी, तब धारा 144 का उल्लंघन करते हुए बलात्कार के समर्थक जो हैं वो लोग सामने आए थे, वो लोग कैमरे के सामने थे, और खुलेआम कैमरे के सामने वो लोग धमका रहे थे उन लोगों को जो पीड़िता के परिवार से मिलने आ रहे थे। और यही हो रहा है कानपुर के मामले में। आपके स्क्रीन पर यह वीडियो देखिए, जिन लोगों ने असरार अहमद की बुरी तरह से पिटाई की उसकी 7 साल की बच्ची के सामने, ये देखिए पुलिस थाने के सामने ये लोग धरना दे रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं और फिर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं।
मानो जय श्री राम का नारा जो है वो एक युद्धोन्माद हो गया है, एक वॉर क्राई हो गया। ये लोग समझते हैं राम के मायनों को, ये लोग समझते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम के मायनों को। तुमने एक बेकसूर को मारा है, असरार अहमद को, उसका कोई दोष नहीं था। ये दो परिवारों के बीच रंजिश का मामला था, खुद कानपुर पुलिस ये कह रही है, उत्तर प्रदेश पुलिस ये कह रही है, मगर धर्म के जरिए और राजनीति में उसके इस्तेमाल के जरिए लोगों को इस कदर अंधा किया जा चुका है कि यही किया जा रहा है और ये और आगे बढ़ेगा, क्योंकि 7 महीने बाद जैसे कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव है। और इसकी एक छोटी सी झलक हमें अलीगढ़ में भी मिल गई थी, आपको याद होगा AIMIM का एक नेता नाजिम, उसने मस्जिद के सामने से दलितों की बारात को निकलवाने से मना कर दिया था। उसने कहा था कि भाई मस्जिद के अंदर जो है वो सिर्फ नमाज पढ़ी जाएगी, दलितों की बारात हम नहीं निकलने देंगे। एक तो मैं ये समझ नहीं चाह पाता हूं कि ओवैसी साहब की पार्टी इस तरह से रहस्यमय तरीके से क्यों आ जाती है भारतीय जनता पार्टी की मदद करने, क्योंकि आप जानते हैं उससे अलीगढ़ के उस इलाके में हिंदू मुस्लिम वोट फिर से दो फाड़ होगा और फायदा किसको होगा, आप बताइए 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 फायदा किसको होगा। तो एक तरफ यह चला आ रहा है दोस्तों, सांप्रदायिक उन्माद बढ़ रहा है, ट्विटर जिस तरह से सरकार के सामने नतमस्तक है, और मैंने आपको अमित मालवीय की मिसाल दी, वहीं दोस्तों संसद के अंदर सरकार सवालों के जवाब नहीं देना चाहती। जी हां, कल लोकसभा भी और राज्यसभा भी अनिश्चितकाल के लिए, लोकसभा और राज्यसभा के सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिए गए। पेगासस जासूसी मामलों का जवाब सरकार नहीं देना चाहती है, सरकार विपक्ष के साथ संवाद भी नहीं करना चाहती है। विपक्ष यह आरोप लगा रहा है कि मार्शल्स के जरिए महिला सांसदों के साथ ज्यादती की गई, उन पर दबाव डाला गया। मैं ये समझना चाहता हूं मोदी सरकार से कि आप सरकार हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर का क्या दायित्व होता है कि वो विपक्ष के साथ संवाद करें, कि आप भूल गए स्वर्गीय सुषमा स्वराज ने क्या कहा था, खुद सुनिए। जब वो जिंदा थी, जब बीजेपी विपक्ष में थी, तब सुषमा स्वराज ने क्या कहा था, उनकी इन अमर शब्दों को याद करिए। ये सदन उलझा भी बहुत और उलझकर सुलझा भी। मैं बहुत प्यार से कह रही हूं, मेरे भाई कमलनाथ अपनी शरारत से इस सदन को उलझा देते थे और आदरणीय शिंदे जी अपनी शराफत से उसे सुलझा देते थे। और इस शरारत और शराफत के बीच बैठी हुई सोनिया जी की मध्यस्थता, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सौम्यता, आपकी सहनशीलता और आडवाणी जी की न्यायप्रियता के कारण ये सदन चल सका। और आज के दिन मैं अपने पूर्व नेता सदन को भी याद करना चाहूंगी, आदरणीय प्रणब मुखर्जी को, लोकतांत्रिक संस्थाओं में जिनकी आस्था ने भी इस सदन को चलाने में बहुत कारगर भूमिका निभाई। ये इसलिए हुआ क्योंकि भारतीय लोकतंत्र के मूल में एक भाव है, और वो भाव क्या है, वो भाव ये है कि हम एक दूसरे के विरोधी हैं मगर शत्रु नहीं। दिक्कत यह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि बगैर दमन के, बगैर अंकुश के, बगैर समाज को दो फाड़ किए हम अपनी राजनीति नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जब तक समाज में दोहराव पैदा ना हो, हिंदू मुस्लिम में तनाव ना हो, हमें वोट्स हासिल नहीं हो सकते। इसलिए जब तक बीजेपी इस तरह की राजनीति में विश्वास रखेगी, समाज में ऐसा होता रहेगा और देश की बदनामी ऐसे ही होती रहेगी, और एक दिन हम सबको इसकी एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरे इन शब्दों को याद रखिएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।